वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। 5 महीने के कान्हा को हुआ डेंगू। जी हां, बता दें, माता पिता की बड़ी बेचैनी। प्लेटलेट्स रह गई केवल 17,000। अब भगवान श्री कृष्ण से है बस आस। मीडिया के कवरेज करने के बाद चढ़ाई गई प्लेटलेट्स। प्रिंसिपल ने कहा और भी चढ़ाई जाएंगी प्लेटलेट्स। आपने सुना तो होगा कई बार कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन 5 महीने का बच्चा डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा हो तो उसकी क्या हालत हो रही होगी। बता दें, दरअसल हम बात कर रहे हैं 5 महीने के ओम की हनुमानगढ़ का रहने वाला, जो इस समय सरकारी मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में भर्ती है, जिसने भगवान श्री कृष्ण की ड्रेस पहन रखी है और बिल्कुल वह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की तरह ही लग रहा है। लेकिन अब इस भगवान श्री कृष्ण स्वरूप ओम के माता विनेश और पिता दीपक को भगवान श्री कृष्ण से बस यही आस है कि वह उनके बेटे ओम के स्वास्थ्य को ठीक कर दे। ओम को 4 सितंबर को दोपहर में 1:50 पर उसके पिता दीपक ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया था। उसके बाद उसकी प्लेटलेट्स गिरने लगी और गिरते गिरते उसकी प्लेटलेट्स की स्थिति 17,000 पर पहुंच गई। 5 माह का मासूम डेंगू जैसी बीमारी से बहुत ही बेचैन है। ना तो वह दूध पी रहा है, ना उसे सुकून मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए सोता है, फिर बेचैन होकर जग जाता है। उसकी माता विनेश और पिता दीपक ने आज उसे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप इसलिए बनाया कि वह डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है और भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करें। फिलहाल डॉक्टर ने ओम के पिता दीपक को यह कह दिया है कि वह उसको प्लेटलेट्स चढ़ाएंगे, जिससे उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। लेकिन ओम जैसे तमाम बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो कि डेंगू और अन्य वायरल बुखार से जूझ रहे हैं, और उनके माता पिता बहुत ही बेचैन हैं। विनेश जी, बच्चे का नाम क्या है? ओम। कितनी उम्र है इसकी? पाँच महीना। क्या दिक्कत हुई है उसको, क्या परेशानी? रो रहा है, दूध भी पी रहा नहीं है। इसकी प्लेटलेट्स देखी हमने भी, 17,000 हैं। तो डॉक्टर का क्या कहना है? कुछ नहीं, चढ़ाने की बात कर रहे हैं। कब कह रहे हैं चढ़ाने की? गए वे ले पापा तो लेंगे। दीपक कुमार। दीपक, ये कौन है आपका? ओम बेटा है मेरा। क्या हुआ था, किस तरीके से क्या हुआ था? इसको डेंगू की शिकायत थी और हम विवेक के नाम पे इसको ट्रीटमेंट चला रहे थे। विवेक ने रिपोर्ट कराई थी तो इसकी 2,21,000 प्लेट थी। फिर हमने यहाँ पे प्लेट रिपोर्ट चेक कराई थी तो इसकी प्लेट आई थी 59,000। कहाँ लाई थी इसको? जय सिंह में लाई थी। सरकारी है? हाँ, सरकारी में। फिर क्या हुआ? फिर उनकी रिपोर्ट में आई थी 59,000। फिर दूसरी में आई है 42,000। फिर आई हैं इसकी 17,000। फिर उन्हें लिख दिया था पर्चे पे अर्जेंट लेके, वो लेके आओ जी थैली ब्लेड। तो हम गए थे वहाँ पर लाइन में लगे थे तो उन्होंने बोल दिया था का आपके खून बहुत कम, वो प्लेट कम है तो खून के बंदे खून देना पड़ेगा तुमको। मैंने कहा हम खून देने लायक नहीं है, हमारा खून लगने लगा तो लगा लो, हम जाने को तैयार हैं। तो भी बोले थे बच्चा कहने का मेरा तो वो तो इंतजाम आप करोगे ना। तो मैंने बोला तो हम कहाँ से कर लेंगे इंतजाम, मैंने सरकारी तो हम पैसा वाले होते तो हम सरकारी में क्या कर लाते, हम प्राइवेट करा लेते। तो बोले थे तो वो तुम देखो ना, अपने घर वाले को बुलाओ, भैया को बुलाओ, रिश्तेदार को बुलाओ, तो वे देखेंगे ना तुम्हारा बच्चा, तुम अपना इंतजाम करो। अब कैसी तबीयत है उनकी? अब वो तो डॉक्टर साहब देखेंगे ना, हम क्या देख पाएंगे। व्यवस्था किस तरीके की है यहाँ? व्यवस्था जो डॉक्टर साहब, हम एक दिन लेके आए थे ना शनिवार को, तो उस दिन देख गए थे। उसके बाद में फिर जो कंप्यूटर वगैरह देख रहे हैं बड़ी वाली व्यवस्थाओं को, क्या मानते हैं सही है क्या? व्यवस्थाएं सही है क्या? एक डॉक्टर नंबर देख गए थे एल के गुप्ता जी, हमको हमारे बच्चों को एक बार देख गए, उस दिन तो आए नहीं यहाँ पर। चाहते क्या है? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे की ट्रीटमेंट सही हो, माँ को ब्लेड मिले। और बिना अर्जेंट में लिख दिया था पर्चे पे का जल्दी लेके आओ, हमारे आत्मा वैसे भूल गए थे। श्री कृष्ण की ड्रेस पहने हैं। हाँ,
क्यों पहनाई थी आपने? हमने ऊपर वाले के आस में जब प्लेटें कम है तो क्या होगा, 42,000 रुपये थे तब तो हम तसल्ली बनाए रखे थे, हमें छोड़ 42,000 तो और बढ़ जाएंगी उनसे जो जो बोले डॉक्टर साहब का 3 दिन तक प्लेटें गिरेंगी उसके बाद में बढ़ जाएंगी। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण की जो यूनिफॉर्म पहनाई है मकसद क्या था? हमने तो ऊपर वाले के आस पर छोड़ दिया, जो अब ऊपर वाला करिए। 5 महीने का बच्चा वो भर्ती था, उसकी 17,000 प्लेटलेट थी, अब क्या स्थिति है आपके और क्या उसमें किया गया? 5 महीने का बच्चा है, हाथ के साथ प्रेजेंट किया है, पहले उसकी काउंट 56,000 थी, फिर 17,000 एकदम से, तो उसके बाद हमने इसको रात में प्लेटलेट चढ़ाया है, अब बेटर है, अब फिर से ये ब्लड टेस्ट होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक प्लेटलेट और चढ़ाया जाएगा। मैम कुछ समस्याएं ये भी आ रही हैं कि लोग रिपोर्ट्स के लिए बहुत बड़बड़ा रहे हैं, मरीज के परिजन होते हैं, बच्चों के परिजन होते हैं, मैं रिपोर्ट टाइम से मिलकर उसके लिए क्या कर रहा हूँ? थोड़ा एप्रीहेंशन में है, हमें पहले एक एनालाइजर था, 3 एनालाइजर हैं, रिपोर्ट तो निकल रहा है, पेशेंट थोड़ा एप्रीहेंशन में सारे पहुँच जाते हैं, तो हम उसकी व्यवस्था किया हुआ है कि रिपोर्ट सारी यहीं से सैंपल जाएंगे, रिपोर्ट सब यहीं आएंगे, बट उनको ये रहता है कि रिपोर्ट हमारे हाथ में होनी चाहिए, फाइल में नहीं होना चाहिए, तो वो हम उनको एक डुप्लीकेट दे देते हैं ताकि उनको तसल्ली रहे कि उनके बच्चे का प्लेटलेट कितना है, बिकॉज आजकल सब अपने बच्चों की प्लेटलेट के लिए वरिड हैं, तो हमारी फाइल में भी रिपोर्ट रह रही है और एक हम उनको भी दे देते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं।